हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं CIDE, साइड एक रूट वर्ड है, इससे बनने वाले वर्ड्स। आज हम ये 10 वर्ड लेके आए हैं, जितने भी CIDE इससे वर्ड्स बनेंगे उनको हम लर्न करेंगे और लर्न करने का भी एक मेथड ढूंढेंगे, लिंक बनाएंगे या फिर कह लीजिए ट्रिक होगा आपके लिए, टिप्स होगी आपके लिए। बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला रहेगा उसको याद करने का, CIDE। एक और काम की बात बता दें आपको, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स की फॉर्मेशन हुई है वो 50% के लगभग ग्रीक और लैटिन वर्ड से हुई है। ऐसा ही एक और वर्ड है, ये रूट वर्ड साइड, इसका मीनिंग हो जाता है किलिंग और मर्डर, किलिंग और मर्डर। तो उसको लेकर हम सीखने वाले हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, कम टू द पॉइंट। तो वर्ड है आपका मेरिटिसाइड, साइड CIDE, इसको अलग कर लीजिए, सभी वर्ड्स में साइड अलग से याद रख सकते हो, ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आपके काम आना है और वोकैब के लिए भी आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वोकैबुलरी के लिए भी और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए भी, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक, वोकैबुलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरिटिसाइड, तो मेरिट ही, यहां से हम लिंक बनाएंगे इसका, यहीं से याद करेंगे उसी वर्ड से, तो ये बन जाएगा मेरिटियल, मेरिटी से मेरिटियल, विवाह संबंधी बात जो होती है। यहाँ इंडिया में पुरुष प्रधान देश है तो पुरुष, तो किलिंग ऑफ हस्बैंड इसको याद रख लेंगे। तो मैट्रिमोनियल विवाह संबंधी में जो मेन है वो पति है, पति और किलिंग ऑफ हस्बैंड हम याद करेंगे, मैरिड से भी आप याद रख सकते हो, मैरिटिसाइड। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा मैट्रिसाइड, अब यहां मां से याद रखेंगे, मां मदर, तो किलिंग ऑफ मदर हम मां से, यहां से मैट्रिसाइड, मैट्रिनियल पैट्रिनियल आप वैसे भी याद रखते हो लेकिन हम यहीं से याद कर लेंगे इसको। पेरिसाइड पेरेंट्स से हम याद रखेंगे, पेरेंट्स से हम याद रखेंगे, तो किलिंग ऑफ पेरेंट्स हो जाएगा। तो मैट्रिसाइड और पेट्रिसाइड, जी हाँ, यहां से हम दोनों का लिंक बना के याद रख सकते हो, पेट्रिसाइड आप पिता से संबंधित बात होती है या फिर आप सीधा यहाँ आप पा से याद रख सकते हो, पापा, तो किलिंग ऑफ फादर वो हो जाएगा आपका पेट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है फर्टिसाइड, वो फीटस से संबंधित रहेगा, फीटस से संबंधित याद रख लेंगे इसको। अमेरिकन इंग्लिश में, ये ब्रिटिश इंग्लिश में फीटस बोला जाता है, ये स्पेलिंग रहती है अमेरिकन इंग्लिश में, फीटस की स्पेलिंग FET हो जाता है, FOE नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखेंगे जी। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट से याद रखेंगे तो किलिंग ऑफ इन्फेंट, शिशु हत्या हो जाएगी, ये फीटस भ्रूण होता है उसकी हत्या को कहते हैं जी। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा फ्रेटरनिटी, भाईचारा, भाई से संबंधित करेंगे तो साइड हत्या, तो किलिंग ऑफ ब्रदर हम याद रख लेंगे। हाँ जी, अक्षौरी साइड, ये ट्रांसक्रिप्शन भी लिखी हुई है, अक्षौरी साइड,
अक्षोरिसाइड यानी के अक्षोरियल से हम याद रख सकते हैं, अक्षोरियल होता है कनेक्टेड विद वाइफ से, वाइफ यू एक्स ओ लेडी से संबंधित वर्ड हो जाता है, तो यहाँ वाइफ की हत्या, तो पिता जो हस्बैंड की हत्या थी और ये थी मैरिटी साइड, और यहाँ हो गया है आपका ये वाला अक्षोरी साइड, अक्षोरियल से याद रखेंगे कनेक्टेड विद वाइफ, तो किलिंग ऑफ वाइफ अक्षोरी साइड। सुसाइड सबको पता है कि किलिंग ऑफ योरसेल्फ होता है, आत्महत्या सुसाइड। तो लास्ट जो वर्ड है वो है आपका फिलिसाइड, फिलिसाइड, फिलिसाइड फिलियल से याद रखेंगे, फिलियल होता है संतानीय, अपनी ही संतान की, अपने ही बच्चों की हत्या कर देने को कहते हैं फिलिसाइड जी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। कुछ और वर्ड रहेंगे सीआईडीई को लेकर, साइड को लेकर, वो वर्ड भी लेके आएंगे, उनको याद रखने का तरीका भी ऐसे ही करेंगे, लर्न करते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।